नमस्कार दोस्तों, मैं जितेश कौशिक एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पब्लिक रिएक्शन टीवी पर। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूं बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, हर छोटी बड़ी खबरें, ताज़ा खबरें सबसे पहले पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करके जुड़ जाए आपके अपने YouTube चैनल पब्लिक रिएक्शन टीवी पर। साथ ही घंटे का बटन अवश्य दबा ले, जिससे कि हमारी हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आ सके आपके पास। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप देख रहे हैं उभरता हुआ न्यूज चैनल। तो चलिए चलते हैं अपनी खबरों पर। दोस्तों, एक बार फिर से राशन कार्ड धारक महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, यहीं पर एक गैस, एक चूल्हा, आटा, सरसों का तेल और 100 यूनिट बिजली भी फ्री में दी जा रही है, तो महिलाओं को बड़े तोहफे मिलने जा रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों, होली पर एक गैस सिलेंडर और चीनी और यहीं पर 35 किलो राशन भी अब पैकेट में दिया जाएगा। एक बड़ी अपडेट और सामने निकल कर आ रही है कि जिसमें अब राशन की दुकान में मिलेगा रसोई का पूरा सामान। जानिए दोस्तों, आम आदमी को कैसे महंगाई से राहत सरकार दे रही है, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए केंद्र सरकार ला रही है सस्ते राशन की सहूलियत। राशन के दुकान पर कम दामों पर मिलेगा महीने भर का जरूरी सामान। दोस्तों, केंद्र सरकार अब गरीब श्रेणी में आने वाले लोगों के लिए खास उपहार लेकर आई है। अब राशन की दुकान पर ही रसोई का सारा सामान मिलेगा। आम लोगों तक राशन के सामान के अलावा रसोई का हर जरूरी सामान आसानी से और किफायती दामों में मिलेगा। जी हां, इसके लिए केंद्र सरकार उचित मूल्य की दुकान यानी फेयर प्राइस शॉप को और भी ज्यादा सुविधाजनक और आर्थिक रूप से दुरुस्त बनाने की ओर जोर दे रही है। दोस्तों, केंद्र सरकार खासतौर आर्थिक तौर से कमजोर लोगों का उद्धार करने के लिए सेवा को शुरू करने जा रही है। लोगों तक जरूरी सेवा पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार अलग अलग प्रयास में जुटी हुई है। अब लोगों तक राशन का सामान पहुंचाने के अलावा महीने का हर जरूरी सामान भी आसानी से और किफायती दामों में लोगों को उपलब्ध करने की हर कोशिश की जा रही है। दोस्तों, खाद्य सचिव के द्वारा बताया गया है कि इसके जरिए स्टॉक और बढ़ा सकते हैं, इसमें गेहूं की कीमतों में और राहत आएगी। खाद्य सचिव ने कहा है कि रिजर्व प्राइस को भी रिवाइज किया जा सकता है। केंद्र सरकार के खाद्य सचिव ने जानकारी दी है कि मार्च में कमोडिटी के खरीद पर चर्चा के लिए एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें राज्य सरकार से सभी बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा खरीद और स्टॉक के लिए एक्सपर्ट के फैसलों की चर्चा होगी। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारी खबरों पर एक प्यारा सा लाइक जरूर दें। जी हां दोस्तों, और साथ ही खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में इन खबर पर आपकी क्या है राय वो हमें ज़रूर बताएं। आज की खबरों में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली खबर में। जब तक सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए आपके अपने YouTube चैनल पब्लिक रिएक्शन टीवी से, और साथ ही घंटे का बटन जरूर दबा लें ताकि हमारी हर एक नई वीडियो पहुँच सके आपके पास सबसे पहले।